हरी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जया गिरिवर धारी जया गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभा जया गिरिवर धारी जया गिरिवर धारी यशोदा नंदन व्रज जन रंजन 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 यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी श्री कृष्ण बलराम की राधा श्याम चंद्र लता विशाखा की गौर नित्याय जी की शिला प्रभुपाद की त्याई गौ प्रेमानंदे जो विष्णुपाद परम हंस परिवजक डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति द्वान स्वामी शिला प्रभुपाद की जो विष्णुपाद परम हंस परिवजक आचार्य डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णवंद की नाम अचरदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवा साधि गौर भक्तन की श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम की श्री श्री वृंदावन धाम की मथुरा पुरी जी की अयोध्या पुरी जी की जगन्नाथ पुरी धाम की मायापुर धाम की गंगा माई की यमुना माई की भक्ति देवी की तुलसी देवी की सामवेद भक्त वृंद की हरिनाम संकीर्तन की हरिनाम महायज्ञ की ऑल ग्लोरी टू संबल डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू संबल डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू संबल डिवोटीज ऑल 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 ग्लोरी टू गुरु गुरंगा श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी आपका बहुत बहुत स्वागत आज श्रील प्रभुपाद लीलामृत के साप्ताहिक प्रसंग में और आज हम लोग देखेंगे किस प्रकार से श्रीला प्रभुपाद की लीला चरित हो रही है और उस लीला में देखिए कोई भी लीला हो चाहे वो कृष्णा की लीला हो या भक्तों की लीला हो हर लीला में हमको कुछ ना कुछ शिक्षा जरूर मिलती है क्योंकि लीला भगवान इसीलिए करते हैं अपने भक्तों से भी लीला इसलिए करवाते हैं कि जो मानव मात्र है इस संसार में जितने भी जीव हैं उस लीलाओं से शिक्षा लेकर के अपनी भगवत धाम प्राप्ति का मार्ग सुगम कर सकें तो हम लोग प्रवेश करेंगे लेकिन उसके पहले हम लोग मंगलाचरण आशीर्वाद लेंगे ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः नमो भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन वैष्णवांश सारूपं साज्ञातं संगीतं साद्वैतं साभूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सैगन ललिता श्री विशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। अभी तक इस प्रसंग में हमने सुना कि किस प्रकार श्रील प्रभुपाद झांसी में आने के बाद संघर्ष कर रहे थे, और उनके इस संघर्ष में किस प्रकार से जो कार्मिक जन हैं, जो भगवत भक्ति से बहुत दूर हैं, बाधा डाल रहे थे। भक्त के जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती हैं। जीवन की जो सड़क है हमेशा समतल नहीं रहती है, ऊपर नीचे जाती रहती है। तो उसके बाद आज के प्रसंग से हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग को श्रील प्रभुपाद के जीवन से शिक्षा मिलेगी। हरे कृष्णा। संवादक के रूप में अभय को अपने अनुकूल वातावरण में पाते थे और अपने गुरु भाइयों के साथ प्रचार करने में बहुत प्रसन्नता होती थी। जो शुद्ध भक्त होता है ये उसका प्रथम लक्षण है कि परिस्थिति कैसी भी हो, कहीं भी हो, समय स्थान परिस्थिति के अनुसार भगवत संदेश देने के लिए हमेशा वो लालायित रहता है। और एक बहुत मान गुण है श्रील प्रभुपाद का, किसी भी परिस्थिति में रहे, कहीं भी रहे। अब झांसी की जैसे हम बात कर रहे हैं, इतना सब होने के बाद भी प्रचार के लिए उत्सुक हैं तो अपने गुरु भाइयों के साथ प्रचार करने में उन्हें बहुत अधिक प्रसन्नता होती थी। यदि भी वे अपने को सिद्धहत लेखक या विद्वान नहीं मानते थे। दूसरी जो शिक्षा हमें मिलती है, हम किसी भी पद पर हों, किसी भी परिवार, वंश, राजनीतिक, सामाजिक कोई भी स्थिति हमारी हो, हम चाहे उच्चतम स्तर पर भी हों, लेकिन जो सच्चा भक्त होता है हमेशा अपने को ये मान करके चलता है कि मैं ये नहीं हूं। और वही श्रीपाद के बारे में लिखा है कि वो अपने को सिद्धत लेखक या विद्वान नहीं मानते थे। अब सोचिए, जिसने पूरे संसार को बदल दिया, वो कृष्ण नाम जो आज संसार के कोने कोने में फैला है, बिना श्रील प्रभुपाद की महती कृपा के क्या संभव था? वो किस स्तर के विद्वान और लेखक हैं हम सब जानते हैं, लेकिन वो अपने को ऐसा नहीं मानते थे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनके लेखों से प्रसन्न थे और उन्हें यह कार्य जारी रखने को प्रोत्साहित करते थे, और अब उनके ये वरिष्ठ सन्यासी भी उनसे सहायता की याचना करने लगे थे। देखिए जीवन में कैसे परिवर्तन आता है। शिष्य की जो सबसे अधिक सफलता है वो क्या है? गुरु प्रसन्न हो। तो श्रील प्रभुपाद जो भी लेखन करते थे उसके ऊपर श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर महाराज बहुत प्रसन्न होते थे। और अब स्थिति ये हो गई कि उनके जो वरिष्ठ गुरु भाई सन्यासी थे, लिखा है उनसे भी सहायता की याचना करने लगे थे। इसका मतलब क्या है प्रभु जी माता? इसका मतलब ये है कि उनका लेखन इस स्तर का था
कि जो उनके वरिष्ठ सन्यासी गुरु भाई थे वो भी चाहते थे कि इस कार्य में शिला प्रभुपाद उनकी मदद करें, और अब उनके ये वरिष्ठ सन्यासी भी उनसे सहायता की याचना करने लगे थे। वास्तव में सन्यासियों में होड़ सी थी कि अभय की सहायता का कौन लाभ उठा सकता है। सोचिए कि सारे सन्यासियों में होड़ लगी हुई थी कि उनकी सहायता से लाभ कौन उठा सकता है। और इसका निर्देश क्या दिया गया यहां पर, इसका निर्देश ये दिया गया है कि जो हमारा अंतर मन की जो स्थिति है वो ये प्रदर्शित करती है। वो कैसे प्रदर्शित करती है? ये सन्यासी गुरु भाई उनकी सहायता का लाभ उठाना चाहते हैं, और प्रभुपाद क्या चाहते हैं? भगवान के नाम का प्रचार किसी भी रूप में हो, कैसे भी हो, प्रभुपाद वो चाहते हैं। दोनों की मनस्थिति का बहुत अंतर है, और इसीलिए कृष्ण ने अपना हाथ पकड़ करके शिला प्रभुपाद के द्वारा पूरे संसार का कार्य जो नहीं कर सका वो कराया। पूरे संसार में कृष्ण भावनामृत की स्थापना शिला प्रभुपाद ने की, क्यों? उनके गुण ही ऐसे थे। वास्तव में सन्यास में होड़ सी लगी थी कि अभय की सहायता से लाभ कौन उठाता है। अभय सोचते कि अपने गुरु भाइयों के साथ विनीत भाव से सेवा करना कदाचित उनके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। प्रभुपाद जी सोचते थे कि जो उनके वरिष्ठ से निष्कासन के उनके लिए एक प्रकार से झटका सा था। कम से कम थोड़ी देर के लिए वे अनिश्चित हो गए थे कि कृष्ण उनका उपयोग कैसे करना चाहते हैं, लेकिन उनके गुरु भाई अब इस प्रश्न का उत्तर देते प्रतीत हो रहे थे। अब ध्यान देना प्रभु जी माता जी क्या शब्द लिखा है, प्रतीत हो रहे थे। क्यों? क्योंकि ये उनका लक्ष्य नहीं है। ऐसा लगता था प्रभुपाद जी कि जब झांसी से निष्कासन हो गया और झांसी की जो भी उन्होंने इतना मेहनत की थी वहां से उनको निकलना पड़ा शिल्पा जी को, तो उसके बाद गुरु भाई उनको जिस कार्य में सहायता ले रहे थे तो प्रभुपाद जी सोचते हैं कि यही उनके जीवन का लक्ष्य हो गया है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था, वास्तव में ऐसा नहीं था। किसी आश्रम में सन्यासियों ब्रह्मचारियों के साथ रहना और कार्य करना जीवन का ऐसा ढर्रा था जिसे अभय किसी समय बहुत कठिन समझते थे। और भक्ति सरस्वती ने टिप्पणी की थी, अच्छा यह होगा वह तुम लोगों से अलग रहे। अब सोचिए प्रभु जी माता जी, गुरु जो शुद्ध भक्त होता है उसके अंतर मन में भविष्य की स्थिति भी स्पष्ट होती है। तो क्या लिखा है कि शिला भक्ति ठाकुर महाराज क्या कहते थे कि अच्छा यह होगा कि अभय इस सब से अलग रहे, लेकिन परिस्थिति के अनुसार प्रभुपाद जी को उसी परिस्थिति में रहना पड़ रहा था जिससे वो बाहर निकलेंगे। लेकिन अब उन्हें या तो अपने पास कुछ न होते हुए अकेले संघर्ष करना पड़ेगा या गौड़ीय मठ के एक भाग में अपने गुरु भाइयों के साथ मित्रवत रहना पड़ेगा या गौड़ीय मठ के एक भाग रहना पड़ेगा। उन्हें लगा कि कदाचित अपने गुरु भाइयों के आश्रम में रहकर वे कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने की अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकेंगे। चूंकि अभय को शीघ्र ही सज्जन तोषणी का संपादक बनना था, इसके लिए वे उसके विस्तार के बारे में सोचने लगे। यह एक विद्वतापूर्ण वैष्णव पत्रिका थी, लेकिन उसका प्रकाशन बहुत उथले ढंग से हो रहा था और उसकी सदस्य संख्या बहुत सीमित थी। यहां पर हम देखते हैं कि जो सच्चा सेवक और गुरु का शिष्य और शुद्ध भक्त होता है वो कभी निश्चल नहीं बैठता, कभी भी शांत नहीं बैठता। क्यों? कोई भी कार्य हो, छोटा हो या बड़ा हो, उसको किस प्रकार से उत्तम ढंग से किया गया उसकी वो इच्छा रहती है। ये नहीं कि काम निपटा दिया, निपटाने वाली स्थिति कभी मनस्थिति शुद्ध भक्त की नहीं होती है। और इसीलिए जब चर्चा हुई होगी गुरु भाइयों के साथ में तो वैष्णव तोरणी पत्रिका का जो संपादक उनको बनना था, जो कि बहुत ही उथले ढंग से, मतलब बहुत ही निचले स्तर से काम हो रहा था,
और उसके जो मेंबर्स थे जो उनकी भी संख्या बहुत कम थी, तो प्रभुपाद जी ने तुरंत उसके बारे में सोचना शुरू किया। उन्होंने कल्पना की उस समय की, जब वह भारत की बढ़िया पत्रिका इलस्ट्रेटेड वीकली से बढ़ जाएगी, उस समय कोई पत्रिका रही होगी इलस्ट्रेटेड वीकली, तो अभी जो एक मन में चित्र बनता है, प्रभुपाद जी ने वो बनाना शुरू किया। जैसे जब झांसी गए थे तो झांसी में वो स्थान जब प्रभुपाद जी को मिला, प्रभुपाद जी ने उसका रेखांकित चित्र बनाना शुरू कर दिया था कि ये कमरा इसके लिए होगा, ये प्रचार के लिए होगा, ये प्रसार, पूरी रूपरेखा उन्होंने बना ली थी। तो भक्त कभी भी चैन से नहीं बैठता है, प्रचार में आगे बढ़ाने के लिए, भगवान का कृष्ण भारत प्रचार बढ़ाने के लिए योजना बनाता रहता है। प्रभुपाद जी ने योजना बनानी शुरू की कि एक समय आएगा कि भारत में उस समय की जो सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका है उससे भी ये आगे बढ़ जाएगी। वे चाहते थे कि वह अमेरिका के टाइम या लाइफ पत्रिकाओं से भी अधिक लोकप्रिय हो जाए। छोटी मोटी प्लानिंग नहीं है प्रभु जी माता जी। वो पत्रिका जो इतनी कम स्तर की हो चल रही थी उस समय, प्रभुपाद जी ने कल्पना की कि वो पत्रिका जो टाइम्स मैगजीन है अमेरिका की, उसके भी ऊपर चली जाएगी। वे चाहते थे कि वह अमेरिका की टाइम या लाइफ पत्रिकाओं से अधिक लोकप्रिय हो जाए। और क्यों नहीं, कृष्ण कोई दरिद्र नहीं थे। अभय नई दिल्ली के बहुत से प्रमुख और धनाढ्य लोगों के पास पहुंचकर चंदा इकट्ठा करने की महत्वपूर्ण आकांक्षा कार्यक्रम आरंभ करने की बात सोचने लगे थे। देखिए, हम केवल कोरी कल्पना करें तो उससे तो काम चलने वाला है नहीं। तो प्रभुपाद जी ने कल्पना की है तो उसको कार्यान्वित करना भी शुरू कर दिया। पहला कार्य क्या है कि धन चाहिए, और एक महत्वपूर्ण बात यहां पर लिखी है, कृष्ण दरिद्र नहीं है। जो कि दरिद्र नारायण बोलते हैं वो सब उनका मन का विचार है, कृष्ण दरिद्र नहीं है। और जब वो दरिद्र नहीं है तो जो भी उनके संबंधित कार्य होगा वो धन अपने आप आ जाएगा। इसीलिए प्रभुपाद जी ने दिल्ली के प्रमुख धनाढ्य लोग पहुंचकर चंदा इकट्ठा करने की महत्वपूर्ण आकांक्षा पूर्ण कार्यक्रम आरंभ करने की सोचने लगे। तब कृष्ण की कृपा से वे सज्जन तोषणी में रंगीन चित्र छाप सकेंगे। आप ध्यान से सुनते जाइए कि किस प्रकार से प्रभुपाद जी कल्पना चल रही है, और अच्छी किस्म का कागज लगा सकेंगे। कृष्ण पर निर्भर रहते हुए वे अपनी शक्ति भर प्रयत्न करेंगे, और ग्राहक बनाते समय वे अपने साथ अपनी पुस्तक की पांडुलिपियां भी ले जाएंगे। जो मैन्युस्क्रिप्ट है, जब वो जाएंगे रिच धनाढ्य लोगों के पास तो अपनी जो पुस्तक है उसकी जो मैन्युस्क्रिप्ट वो लेकर के जाएंगे और उन्हें प्रकाशित करने का प्रयत्न करेंगे। दक्षिण भारत के डॉक्टर अलगप्पा उनका गीतोपनिषद प्रकाशित करना चाहते थे। इसमें संदेह नहीं कि उनको उनकी तरह के और भी बहुत लोग थे, या शायद भक्ति सारंग स्वामी ही गौड़ीय संघ की धनराशि की सहायता से अभय की पुस्तकें छापने के इच्छुक हों। संघ में जो मठ है धन था, लेकिन इच्छा होनी चाहिए किस प्रकार से जो उनकी पुस्तकें थी उनके छापने के लिए धन की आवश्यकता थी, इसके लिए प्रभुपाद जी संघर्ष कर रहे हैं। भक्ति सारंग गोस्वामी के सहायक से अभय को शीघ्र ही एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें सावधानी पूर्वक निर्देश दिए हुए थे कि कम से कम खर्चे से वे कैसे दिल्ली पहुंच सकते हैं। उन्हें दिल्ली की यात्रा तीसरे दर्जे की रेलगाड़ी से करनी थी। अब सोचिए प्रभु जी माता जी, किस प्रकार के निर्देश उनको दिए गए कि अब दिल्ली जाएंगे तो कैसे जाएंगे, थर्ड क्लास में तीसरे दर्जे की रेलगाड़ी में बैठ करके आप जाएंगे, और वहां से तांगा लेना है था। स्टेशन के गेट पर तांगों का किराया ज्यादा था, इसलिए उन्हें स्टेशन के बाहर दाहिनी ओर करीब 100 मीटर पैदल चलना चाहिए जहां तांगे सस्ते मिलेंगे। यदि वे अकेले हों तो उन्हें 1 रुपया बारे आने से अधिक नहीं देना चाहिए। उन्हें यह प्रयत्न करना चाहिए कि कोई और सवारी भी मिल जाए, इससे किराया कम पड़ेगा। सहायक ने लिखा था कि शमशान को अपनी बाईं ओर रखते हुए यदि आप दाहिनी ओर देखेंगे तो आप हमारी लाल पताका
और हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा साइन बोर्ड देख पाएंगे। जहां आप पहुंच जाएंगे तो तांगे का किराया हम दे देंगे। कभी कभी जब ये सब हम पढ़ते हैं तो हृदय को बड़ी टीस होती है, किन परिस्थितियों में श्रीला प्रभुपाद ने अकेले संघर्ष किया है। एक छोटा सा दृष्टांत है, आपके साथ शेयर करता हूं। एक व्यक्ति था, बहुत मेहनत करता था, बहुत सारे उसने परिश्रम किए, लेकिन जीवन में सफलता हाथ नहीं लगी। बहुत समय बीत गया, कई साल निकल गए, निराश हो गया। अंत में निराश होकर के उसने सोचा, ऐसे जीवन से क्या लाभ जिसमें असफलता ही असफलता है, इतनी मेहनत करने के बाद भी, और ईमानदारी के साथ में पूरा सब कुछ करने के साथ में। वो गया, कहाँ गया, एक घने जंगल में गया, और जंगल में जाकर के उसने सोचा, यहाँ कोई नहीं देखेगा, यहाँ मैं अपने जीवन का त्याग कर देता हूँ। लेकिन भगवत प्रेम था उसके अंदर, उसने प्रार्थना की और भगवान से कहा कि हे प्रभु, मैंने जीवन में बहुत प्रयास किए लेकिन मैं असफल ही रहा, शायद मेरा ही दोष होगा, इसलिए मैं और जीना नहीं चाहता, अपने इस जीवन को त्याग देना चाहता हूँ, आप कृपा करके मुझे क्षमा करें। और जैसे ही वो उद्यत हुआ अपना जीवन त्यागने के लिए, तो उसे आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ ने कहा कि मेरे बच्चे, क्या हुआ, तुम अपना जीवन क्यों त्यागना चाहते हो? तो कहा कि मैं इतना प्रयत्न करने के बाद भी बार बार असफल होता रहा हूँ, जीवन में जो चाहता वो कर नहीं पाया, तो ऐसे जीवन से क्या लाभ। तो कहा कि तुम इस जंगल में देखते हो, जंगल में क्या है? बोले, बहुत सारे पेड़ हैं, घास है, झाड़ियाँ हैं, सब कुछ है। और कुछ क्या है? बोले, एक बहुत लंबा सा पेड़ है, बांस का पेड़ है, 40-50 फुट ऊंचा लंबा सा पेड़ है। तो सवाद ने कहा कि आप जानते हो कि जब मैंने इस जंगल को लगाया, सारे बीज एक साथ डाले, और उन बीजों को डालने के बाद में बराबर उसके अंदर खाद, पानी, हवा में सब देता रहा, कुछ ही दिनों के बाद में मैंने देखा कि जो फर्न, जो छोटी छोटी घास है, वो उसके कोपल निकलने शुरू हो गए। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। लेकिन समय बीतता गया, बाकी सब पेड़ पौधे भी आ गए, लेकिन ये जो पेड़ जो है बांस का, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, इसमें से कुछ नहीं निकला। मैं समय का इंतजार नहीं किया, मैं अपना कर्म बराबर करता रहा। 5 साल के बाद में उसमें से एक छोटा सा पौधा निकला, और वो पौधा कुछ ही समय में बढ़ते 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 जितने जंगल में तुम पेड़ देख रहे हो सबसे ऊंचा हो गया। वो इससे ऊंचा जंगल में कुछ भी नहीं है। जानते हो क्यों? कोई भी आंधी तूफान आती है, भयंकर वर्षा होती है, भयंकर आंधी आती है, पेड़ टूट जाते हैं, लेकिन बांस का पेड़ ऐसे ही खड़ा रहता है, उसको कुछ नहीं होता। क्यों जानते हो? क्योंकि इतने समय तक वो अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, और जब उसकी जड़ें मजबूत हो गई तो कृष्ण कृपा से वो एकदम ऊपर हो गया। श्रीला प्रभुपाद भी यहां पर इतने संघर्ष करके जो कृष्ण भावना मत का पेड़ उन्होंने लगाया है, जिसके ऊपर पूरा संसार टिकने वाला है, वो जड़ें मजबूत कर रहे हैं। इस संघर्ष में वो अकेले खड़े हैं, लेकिन अकेले नहीं है, कृष्णा उनके साथ में है। तो ये हमको दिखाता है कि कभी भी जीवन में असफलता हाथ लगे, निराश नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी इतने सब होने के बाद भी कभी भी निराश नहीं हुए। कृष्ण पर निर्भर रहते हुए वे अपनी शक्ति भर प्रयत्न करेंगे, और ग्राहक बनाते समय अपनी पुस्तक की पांडुलिपियां ले जाएंगे, उन्हें प्रकाशित कराने का प्रयत्न करेंगे। दक्षिण भारत के डॉक्टर अलगप्पा उनका गीतोपनिषद प्रकाशित करना चाहते थे, इसमें संदेह नहीं कि उनकी तरह के बहुत से और लोग भी थे, ये हमने पढ़ लिया है। तो गौड़िया संघ में अभय को बड़ी अव्यवस्था मिली। अब प्रभुपाद जी जैसा उसमें निर्देश किया गया था, तांगे से आना है,
कहाँ तांगा लेना है, थर्ड क्लास में बैठ करके आना है। तो गौड़िया संघ में पहुंच गए प्रभुपाद जी। तो गौड़िया संघ में अभय को बड़ी अवस्था मिली, अपने गुरु भक्ति सारंग गोस्वामी की अनुपस्थिति में ब्रह्मचारी आपस में लड़ रहे थे और अपने कर्तव्यों की उपेक्षा कर रहे थे, परिणाम स्वरूप चंदा संग्रह और प्रचार कार्य में क्षति हो रही थी। जब हमको कोई कार्य दिया जाता है, उस कार्य को हम पूरी ईमानदारी से अगर ना करें और उसमें हमारा स्वार्थ आ जाए बीच में, वो कार्य कभी सफल नहीं होगा। तो कार्य क्या था इन ब्रह्मचारियों का, निश्चित कार्य क्या था कि चंदा इकट्ठा करना और जो भी कार्य मटके हैं उनको आगे बढ़ाना, लेकिन उनका अपना ही स्वार्थ सिद्धि इतनी थी कि वो झगड़ रहे थे, इसलिए कार्य में बाधा आ रही थी। भले ही स्वच्छता, आराधना, भोजन बनाने, यहां तक कि शांति बनाए रखने का स्तर बहुत निम्न कोटि का था। आप सोचिए प्रभु जी माते कैसा स्तर था, निम्न कोटि का था। और अभय अपने गुरु भाइयों के साथ अन्य मठों के समान ही गौड़िया संघ निर्धन था, वहां पर धन नहीं था। अभय यहाँ एक पत्रिका का संपादन करने के विचार से आए थे, लेकिन यहाँ उनका सामना आपस में लड़ते हुए नव दीक्षित भक्तों के एक दल से हुआ। उन्हें पता चला कि जिस ब्रह्मचारी के जिम्मे जनता के सामने व्याख्यान देने का कार्य था, उसने कोई प्रचार कार्य नहीं किया था। जो भक्त पहले लोगों के घरों में जाकर कीर्तन किया करते थे, वे अब लापरवाह बन गए थे। कितना भी बड़ा व्यवस्था हो, उसको नष्ट करने में बहुत कम समय लगता है, बनाने में बहुत समय लगता है। जब ऐसे गुण आ जाते हैं, अवगुण आ जाते हैं कि किसी का कीर्तन का कार्य था उसमें लापरवाही हो गई, किसी का प्रचार का कार्य था वो प्रचार उसने कभी किया ही नहीं, और गुरुजी बाहर हैं, तो मठ का क्या होगा, वो तो बिखर जाएगा ना। तो वही स्थिति यहां पर आ रही है। और इधर उधर समाचार पहुंचाने वाले लड़के ने अपने काम करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उसकी साइकिल खो गई थी। तब एक ब्रह्मचारी ने अभय को भक्ति सारंग गोस्वामी का एक पत्र दिया, जिसमें उनसे मठ का सामान्य प्रबंधन अपने हाथ में लेने की प्रार्थना की गई थी। हरेक को प्रेरित करें कि वह सेवा में लगे, अन्यथा मैं नहीं समझता हम अंग्रेजी मासिक पत्रिका कैसे निकालेंगे। चूंकि निधि में बहुत धन नहीं है और चूंकि ब्रह्मचारी बहुत लापरवाह है, अग्निचन महाराज ने लिखा है कि वे प्रबंधन के जिम्मेदारी लेने में असमर्थ हैं, बहुत अच्छा हो यदि आप इन मामलों पर नजर रखें। तो उन्होंने सोचा कि जो जिनको जिम्मेवारी देकर के गए थे अग्निचन महाराज, उन्होंने ऑलरेडी हाथ खड़े कर दिए, क्यों जितने भी हमने देखा कि जो प्रचार का कार्य है, कीर्तन का कार्य है, समाचार पहुंचाने का कार्य है, कोई भी कार्य नहीं हो रहा था। एक साइकिल खो गई तो हम ये कार्य नहीं करेंगे, छोटा सा अवधान आ गया हम ये कार्य नहीं करेंगे। तो वो सब सोच करके उन्होंने प्रभुपाद जी को लिखा कि वो जानते थे प्रभुपाद जी की जो उनकी क्षमता है क्या है, आप इसको संभालें। और अभय ने सज्जन तोषणी के प्रकाशन के प्रयास में अनेक कठिनाइयां पाई, वहां टाइपराइटर नहीं था और मुद्रक से संबंध भी खराब थे। टाइप करने के लिए टाइपराइटर चाहिए वो भी नहीं था, और जो प्रिंटर है मुद्रक जो है उससे भी रिलेशनशिप ठीक नहीं थी। कुछ ही दिनों में अभय को भक्ति सारंग गोस्वामी से दूसरा पत्र मिला, जिसमें बताया गया था कि कौन से लेख छापने थे, और इस बात से आगाह किया गया था कि पत्रिका के महत्वपूर्ण अंगों में कोई परिवर्तन ना किया जाए। उन्हें याद दिलाया गया था कि उनका विशेष कर्तव्य था, इस लिखा है, मैंने अकिंचन महाराज से कहा है कि वे मेरे कमरे की चाबी आपको दे दें, जिससे आप मेरे कमरे का उपयोग केवल कार्यालय के काम के लिए कर सकें। चूंकि आप वहां हैं, इसलिए हरेक को और सबको आदेश देने के लिए आप आश्रम में शांति बनाए रखने का प्रयास करें। ऐसी परिस्थिति में एक तरीके से सारी जो जिम्मेवारी है श्रील प्रभुपाद जी के ऊपर डाली गई।
अभय ने पाया, जब तक आश्रम में शैथिल्य और छोटी मोटी बातों पर आपसी झगड़ों की समाप्ति नहीं होती, वे संपादन कार्य नहीं कर सकते। लेकिन जब उन्होंने भक्ति सारंग गोस्वामी के आदेशानुसार कुछ करने का प्रयत्न किया तो कुछ भक्तों ने विरोध किया और यहां तक कि अपने आध्यात्मिक गुरु को भी शिकायत करते हुए लिखा। जीवन में बाधाएं हमेशा आती हैं। आप ये देखिए, प्रभुपाद जी का उद्देश्य क्या है यहां पर? प्रभुपाद जी का एक ही उद्देश्य है, वो है कि जो वैष्णव तोष्णी पत्रिका है उसको किस तरीके से अच्छे रूप में चला करके, और ऐसे उन्होंने क्या परिकल्पना की, उनकी कल्पना ये है कि जो भारत की सबसे अच्छी मैगजीन है उसके ऊपर भी जाए, और यहाँ तक कि जो अमेरिका की टाइम्स मैगजीन है या दूसरी मैगजीन है उसके ऊपर भी जाए। लेकिन उसके लिए जो बाधा रूप में सारी चीज़ें उनके सामने थी, और साथ में जो भक्तिसार गोस्वामी के अनुसार जैसा उन्होंने उनको लिखा था उन्होंने करने का प्रयत्न किया, तो जो वहां पर ब्रह्मचारी थे, बाकी लोग थे, उन्होंने विरोध भी करना शुरू किया। तो एक के बाद एक बाधाएं चलती आ रही हैं। तो उनकी शिकायत करते उन्हें लिखा गया, बहुत सी कठिनाइयों का सामना करते हुए अभय ने वैष्णव तोषणी के अगस्त 1955 ईस्वी के अंक के कार्य को प्रकाशित करने की अंतिम तिथि तक पूरा किया। इतने पर भी मुद्रक की ओर से देर होने के कारण पत्रिका सितंबर से पहले नहीं निकल सकी। अगस्त में सब कुछ प्रभुपाद जी ने कर दिया, पूरा बना के दे दिया उसको, जो पांडुलिपि है, लेकिन सितंबर तक वो नहीं निकल सकी। अंत में जब कुछ प्रतियां प्राप्त हुई तो अभय ने बहुत सी प्रतियां भक्ति सारंग गोस्वामी को कलकत्ता भेजते हुए उनकी अनुक्रिया लिख भेजने की प्रार्थना की। जब उन्होंने लिख दिया, क्योंकि एक चीज ध्यान रखिए कि उन्होंने निर्देश दिए थे कि आपको कैसा कैसा लिखना है, वो भी बताया था, तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने जो कुछ प्रतियां आई उनको भेजा कलकत्ता, कि जिससे उनकी अनुक्रिया प्राप्त हो सके। अभय को अपने गुरु भाई से सीधा कोई उत्तर नहीं मिला, लेकिन उनके सच्ची रामानंद ने उन्हें आगे के लिए कई निर्देश दिए। रामानंद ने पत्रिका में कई भूलों की ओर संकेत किया, बिना कुछ लिखे कि भक्ति सारंग को पत्रिका से प्रसन्नता हुई है। भूले अधिकतया शैली की तकनीकी मामलों से संबंधित थी। अभय ने विषय सूची के प्रश्नों को भिन्न तरीके से सजाया था और भक्ति सारंग गोस्वामी का नाम ठीक ढंग से मुद्रित नहीं किया था, जैसा कि वे अपने लेखों में चाहते थे। टाइपराइटर के लिए अभय की प्रार्थना के उत्तर में रामानंद ने लिखा, यदि लेख सफाई से लिखे जाते हैं तो उन्हें टाइप करके मुद्रक देने की आवश्यकता नहीं है। समय बहुत बलवान है और समय बहुत कीमती है, अमूल्य है समय। एक जो क्षमता है, आप कितनी भी क्षमता वाले हो सकते हैं, लेकिन अगर उसके अनुसार प्रबंध बराबर ना हो तो आप कर नहीं सकते। प्रभुपाद जी की क्षमता थी, क्षमता है उनकी, कि कितनी कितनी पुस्तकें वो लिख सकते हैं। उसके लिए अगर प्रभुपाद जी कहते हैं कि जितने भी आधुनिक उपकरण हैं, जितने भी चीज़ें नई नई वैज्ञानिकों ने बनाई हैं, खोज की है, उनका उपयोग कृष्ण की सेवा में करने के लिए कोई हानि नहीं है। जैसे डिक्टाफोन था, टाइपराइटर था, माइक्रो, सबकी यूज भगवान की सेवा के लिए किया। एक टाइपराइटर के लिए प्रार्थना की तो उसके उत्तर में क्या लिखा गया है कि यदि लेखन साफ किया जाए तो टाइपराइटर की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप धीरे धीरे काम कर ले, इस पे खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। जो कि एक मशीन अगर हम लगाएं बहुत बड़ा कार्य थोड़ी देर में कर सकती है, और मजदूर लगाएं तो वो बहुत समय में होगा। तो वही स्थिति यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। उनसे कह दिया गया कि आप साफ लिखें तो उसकी आवश्यकता नहीं है। अभय ने भक्ति सारंग गोस्वामी को यह प्रार्थना करते हुए लिखा कि वे दिल्ली आएं और अपने मठ में शांतिपूर्ण वातावरण स्थापित करें। सज्जन तोषणी के विषय में भक्ति सारंग गोस्वामी ने सुझाव दिया था कि पत्रिका के आवरण के पेपर में सुधार होना चाहिए,
पूरी पत्रिका को और अधिक अच्छे कागज पर आधुनिकतम प्रेस से छापना चाहिए। अभय इससे सहमत थे, लेकिन सुधार के लिए धन अपेक्षित था जो कि आ नहीं रहा था। उन्होंने लिखा, यह सुझाव कि पत्रिका को कलकत्ता में छापा जाए ठीक है, लेकिन मेरा सुझाव है कि कलकत्ता में या दिल्ली में हमारे पास अपना प्रेस होना चाहिए, किसी जिसके सभी उपकरण अच्छे हों, जिससे हम श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश को सभी महत्वपूर्ण भाषाओं में, विशेषकर अंग्रेजी और हिंदी में प्रकाशित कर सकें। हिंदी की आवश्यकता अखिल भारतीय प्रचार के लिए है, जबकि अंग्रेजी की आवश्यकता अखिल विश्व के प्रचार के लिए है। जो शुद्ध भक्त होता है, दूरदृष्टि उसके पास होती है। उसी दूरदृष्टि का एक छोटा सा उदाहरण हम लोग देखते हैं कि प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं कि देखिए, धन अगर एकत्रित किया जाए, उसका उपयोग कैसे किया जाए। कह रहे हैं कि अगर दिल्ली में छापो या कलकत्ता में छापो आप, लेकिन उससे सबसे अच्छा यह है कि हमारी अगर अपनी प्रेस हो, तो उस प्रेस से क्या होगा कि हम अपने अनुसार अच्छे अच्छे उपकरण उसमें होंगे तो वो छाप सकते हैं। और भाषा की बात प्रभुपाद जी ने की है, क्या की है कि हिंदी तो भारत के लिए और अंग्रेजी विश्व के प्रचार के लिए, जिससे कि चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश है बहुत अच्छी तरह से पूरे विश्व में प्रचारित हो सके। और प्रभुपाद जी के जीवन का लक्ष्य भी यही था, इसीलिए प्रभुपाद जी ने सारे संसार में जो बीबीटी है हमारा, उसके लिए कहा कि भाई बीबीटी पुस्तक वितरण सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अभय ने आगे लिखा कि चौंकी किसी मुद्रक से आशा कर पाना लगभग असंभव है कि वह हस्तलिखित पांडुलिपियों से शीघ्रतापूर्वक कार्य कर सके, इसलिए वे एक टाइपराइटर किराए पर ले चुके हैं। ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के विषय में भी उन्होंने अपने विचारों का उल्लेख किया। कभी कभी परिस्थिति ऐसी आती है कि आपको अपने निर्णय खुद लेने पड़ते हैं, तो प्रभुपाद जी ने समय अनुसार, इस परिस्थिति अनुसार टाइपराइटर किराए पर लिया, और साथ में जो उनका आर्ग्यूमेंट था, क्या आर्ग्यूमेंट था कि आप सुंदर हाथ से लिखेंगे तो वो टाइपराइटर की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें दूसरा समय कहाँ खराब होगा कि जब मुद्रक के पास जाएगा और वो हस्तलिखित उसको पढ़ेगा तो उसको समय लगेगा। टाइपराइटर में एक से अक्षर होते हैं, वो जल्दी पढ़ सकता है, तो इसलिए उन्होंने टाइपराइटर किराए पे लिया। आगे पढ़ते हैं, अभय के पुत्र वृंदावन उनके साथ गौड़ीय संघ में कुछ दिन रहने के लिए आए। अभय के लिए अपने परिवार में वापस जाने का कोई प्रश्न नहीं था, और वृंदावन मठ की दिनचर्या का अनुगमन करते हुए, पिता के कार्य में उनकी सहायता करते हुए केवल उनके साथ लगे रहे। एक दिन एक सुप्रसिद्ध एडवोकेट जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, गौड़ीय मठ में अप्रत्याशित रूप से आए। मठ अधिकतर वीरान था और प्रसाद तैयार नहीं था, इसलिए अभय और वृंदावन ने सुप्रसिद्ध अतिथि का स्वागत किया, उनके लिए भोजन तैयार किया, उन्हें प्रसाद दिया और संघ के कार्यकलापों से उन्हें परिचित कराया। जब कभी अभय एवं मठ के प्रबंध में न लगे होते और गौड़ीय पत्रिका तथा सज्जन तोषणी के कार्यरत न होते, तो वे अपना समय श्री चैतन्य चरितामृत के हिंदी अनुवाद में लगाते। हमारे पास 24 घंटे का समय है, उसे हम आराम में अपने व्यक्तिगत यूज में लगा सकते हैं, लेकिन अभय क्या करते। देखिए कितना सुंदर उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि जब संपादन का कार्य नहीं है और उसके बाद मठ का कार्य भी नहीं है, तो जो भी समय है वो किस में लगाते, जो चैतन्य चरितामृत का हिंदी अनुवाद में लगाते। प्रभुपाद जी एक जो देखिए समय कालो अस्मि, भगवान भगवत गीता में कहते हैं कालो, मैं काल हूँ, समय हूँ, और वो समय का आदर हम लोग करते हैं, तो एक मिनट का समय भी हमको व्यर्थ नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी के जीवन से शिक्षा ये मिलती है कि कोई भी समय हो, कैसा भी समय हो, उसका उपयोग भगवान की सेवा में हमको करना ही है।
यद्यपि अंग्रेजी और बंगाली में लिखने का उन्हें अधिक अभ्यास था, तो फिर भी वे तर्क देते थे कि जब तक उन्हें हिंदी क्षेत्र में प्रचार करना हो, ऐसी पुस्तक का बड़ा महत्व होगा। भक्ति सारंग गोस्वामी ने लिखा कि विसर्जन तोषणी के सितंबर अंक की केवल 500 प्रतियां मुद्रित करना चाहते थे, लेकिन अब है अधिक प्रतियां छापना चाहते थे। मुद्रक के साथ इकरारनामा कर लेने के बाद कि 1000 प्रतियों के मुद्रण का चार्ज वही होगा जो 500 प्रतियों के मुद्रण का, उन्होंने भक्ति सारंग गोस्वामी को यह खुशखबरी देते हुए लिखा कि हाल ही में उन्हें कागज का एक अनुदान मिल गया है और डाक के चार्ज में 1/4 रियायत की व्यवस्था भी उन्होंने कर ली है। किस प्रकार से प्रभुपाद जी ने किया, देखिए 500 पत्रिका छापने के लिए अनुमति थी, लेकिन उसी खर्चे में प्रभुपाद जी ने अपने उससे बात करके 1000 पत्रिकाओं के लिए व्यवस्था कर ली और उसकी खुशखबरी उनको भेजी। इसलिए केवल कुछ कागज बचाने के लिए हम पूरी प्रतियां क्यों ना छापें, मेरी सम्मति में हमें हर महीने 1000 प्रतियों से अधिक छापनी चाहिए और बड़े पैमाने पर उनका वितरण करना चाहिए। किंतु भक्ति सारंग ने पोस्ट कार्ड पर संक्षिप्त उत्तर दिया कि 500 प्रतियों से अधिक नहीं छापना है। अब सोचिए प्रभु जी माता जी, प्रभुपाद जी ने पूरी व्यवस्था कर ली, लेकिन इंस्ट्रक्शन क्या आ गई कि 500 से अधिक नहीं छापनी है। जैसे मैंने कहा कि भाई जो दूरदृष्टि है शुद्ध भक्त के अंदर जो होती है, वो क्या देखता है, जैसे ही कहीं दृष्टि जाती है, जैसे प्रभुपाद जी जुहू गए और वो एरिया उन्होंने देखा, उनकी परिकल्पना पे आ गया कि कैसे यहाँ भगवान का सुंदर मंदिर बनेगा और कैसे यहाँ पर सारी व्यवस्था होगी, तो भक्त वो देख लेता है क्योंकि वो दूरदृष्टि उसके पास होती है। अब 1000 की जगह उनको इंस्ट्रक्शन मिल गई केवल 500 ही छापनी है। अभय ने सज्जन तोषणी को सुधारने का प्रयत्न जारी रखा। उनके लिए यह कोई औपचारिक कर्तव्य पालन नहीं था, वरन आत्मबोध करने वाला प्रचार कार्य था। प्रभुपाद जी ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इसको कृष्ण की सेवा के रूप में लिया। और ये हमको शिक्षा मिलती है कि जब भी कोई भी कार्य हम अपने हाथ में लेते हैं, उसके दो स्थिति हो सकती हैं। एक तो ऐसे वर्क उसको हमने लिया, दूसरा हमको कृष्ण की सेवा के रूप में लेते हैं। जब उसको हम कृष्ण की सेवा के रूप में लेते हैं तो वो हमें हमेशा प्रसन्नता देता है। उस कार्य की सफलता असफलता से हमको कुछ भी लाभ अलाभ हो, जय जय हो, भगवान ने भगवद्गीता में के लाभ हो उसमें सम रहता है भक्त जो होता है। भक्ति सारंग गोस्वामी को लिखे गए एक पत्र में उन्होंने चिंता व्यक्त की, अगले अंक के लिए उनके लेख प्राप्त नहीं हुए हैं और वे इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। धन का अभाव था, इतना अभाव कि अभय के पास उपयुक्त धोती नहीं थी, फिर भी वे सज्जन तोषणी के गौरवमय भविष्य की कल्पना में लीन रहे। धन का इतना अभाव कि धोती भी नहीं है, लेकिन जो उनकी परिकल्पना है पुस्तिका के बारे में, वो उन्होंने उसके ऊपर कभी भी उसको वो नहीं किया कि भाई मैं उसको छोड़ सकता हूं। इस पत्रिका को मैं इलस्ट्रेटेड वीकली के स्तर की बनाना चाहता हूं, जिसमें विभिन्न चित्र हों, ताकि वे बहुत जनप्रिय साहित्य हो सके। इसलिए मैं स्वयं जाकर ग्राहक और विज्ञापन दाता प्राप्त करना चाहता हूं। इस संबंध में मेरी इच्छा अच्छे व्यवसायियों, बीमा कंपनियों के और सरकारी अधिकारियों से मिलने की है, किंतु मेरे पास उचित पोशाक नहीं है। इस जिम्मेदारी को लेने के लिए मुझे उचित पोशाक के 2 सेट चाहिए। इस संबंध में आपका निर्णय प्राप्त करके मुझे प्रसन्नता होगी। यह मेरी हार्दिक इच्छा है कि इस पत्र की प्राप्ति प्रगति सर्वोच्च स्तर तक हो सके। आप सोचिए प्रभु जी माता जी, किस परिस्थिति में प्रभुपाद जी ने कार्य किया है। धोती उनके पास नहीं है और 2 धोती की प्रार्थना की है, वो भी किस लिए। मेरे पास धोती नहीं है इसलिए नहीं की है, इसको गंभीर रूप से सोचिए प्रभु जी माता जी, किस लिए प्रार्थना की है उन्होंने कि मैं इस पत्रिका को इलस्ट्रेटेड वीकली के स्तर की बनाना चाहता हूं, उसके लिए मुझे जो सरकारी अधिकारी हैं, बीमा कंपनी के अधिकारी हैं, जो
उच्च वर्ग के लोग हैं उनसे जाकर के मिलना है। अगर मैं इन कपड़ों में जाऊंगा तो कौन मुझे स्वीकार करेगा? तो उचित वस्त्र की आवश्यकता है, मेरे लिए नहीं, पत्रिका के लिए आवश्यकता। प्रभुपाद जी का हर क्षण हर विचार किस लिए है? सेवा के लिए है। और ये भी हमारे जीवन में एक मुख्य शिक्षा हमको प्रभुपाद जी के चरित्र से मिलती है। अभय ने भक्ति सारंग गोस्वामी से अपने हिंदी श्री चैतन्य चरितामृत के प्रकाशन में भी सहायता देने की प्रार्थना की। कुछ अबंगाली सज्जन पुस्तक की मांग कर रहे थे, उन्होंने विश्वास दिलाया था कि वे प्रति पुस्तक 25 रुपए देंगे। पुस्तक का पहला खंड प्रकाशित करने के लिए अभय ने 600 रुपए ऋण मांगे। चाहे वह ऋण किसी भी योजना के अंतर्गत हो जो भक्ति सारंग गोस्वामी के लिए सुविधाजनक हो, अभय ने लिखा कि यदि खंड बिक गया दूसरे खंड अपने आप छप जाएंगे। गौड़ीय संघ में रहने और भक्ति सारंग गोस्वामी के अधीन सज्जन तोषणी के लिए कार्य करने से जैसे अभय को तनाव का अनुभव होने लगा था। आपने देखा कि किस परिस्थिति में प्रभुपाद जी इस पत्रिका का प्रकाशन कर रहे थे ऐसे संपादक के रूप में, और हर कदम पर जहां उन्होंने सुझाव दिया उस पर भी रुकावट उनको सामना करना पड़ रहा था। तो इसलिए प्रभुपाद जी को तनाव उनको लगने लगा। वैसे ही पत्रिका की प्रकाशित संख्या में वृद्धि करने की अभय की अभिलाषाओं और उनके कड़े संपादकीय विचारों से भक्ति सारंग गोस्वामी भी तनाव अनुभव करने लगे थे। अभय के पत्र के उत्तर में भक्ति सारंग गोस्वामी के सचिव रामानंद ने भक्ति वेदांत प्रभु की भूरी भूरी प्रशंसा से भरा एक पत्र उन्हें लिखा, लेकिन उनका इरादा था कि गौड़ीय संघ के पद से उन्हें हटा दिया जाए। प्रशंसा की है लेकिन गौड़ीय संघ के पद से उन्हें हटा दिया जाए। पत्र में लिखा कि वैष्णव श्रीमद भक्ति वेदांत प्रभु के चरणों में कोटि से विनम्र प्रणाम। श्री गुरु महाराज जी को लिखित आपका पत्र हमें 5/10/55 को प्राप्त हुआ। आपकी योजना बहुत ऊंची है और हमारी आप हमारी सोसाइटी के शुभेच्छु हैं। हमें